सम्माननीय प्रधानमंत्री जी साहब मोदी जी को सादर नमन करती हूँ। और मैं युक्ति कुणाल भंडारी मोदी जी के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हृदय के खोल दिए है द्वार, आपका स्वागत बारंबार। हृदय के खोल दिए है द्वार, आपका स्वागत बारंबार। स्वप्न सब हो जाए साकार, आपका स्वागत बारंबार। लिए हाथों में कुमकुम थाल, तिलक करते हैं मस्तक भाल। लिए हाथों में कुमकुम थाल, तिलक करते हैं मस्तक भाल। समर्पित है फूलों का हार, आपका स्वागत बारंबार। हृदय के खोल दिए है द्वार, आपका स्वागत बारंबार। जो पाए हर तबके के वोट, हटाए देश से काले नोट। जो पाए हर तबके के वोट, हटाए देश से काले नोट। मिटाई टैक्सेशन की खोट, साफ हुए घर दफ्तर बाजार। आपका स्वागत बारंबार। हृदय के खोल दिए है द्वार, आपका स्वागत बारंबार। चलाई ट्रेन बुलेट है नाम, हो रहा डिजिटल अब हर काम। उज्ज्वला हर महिला का धाम, शांति और प्रगति का पैगाम। इसे ही कहते हैं सरकार, आपका स्वागत बारंबार। ट्विटर के ट्रेंड बने हैं आप, सुनिएगा। ट्विटर के ट्रेंड बने हैं आप, विश्व के फ्रेंड बने हैं आप। गजब के ग्रैंड बने हैं आप, देश के ब्रांड बने हैं आप। ट्विटर के ट्रेंड बने हैं आप, विश्व के फ्रेंड बने हैं आप। गजब के ग्रैंड बने हैं आप, देश के ब्रांड बने हैं आप। प्रशंसा करता है संसार, आपका स्वागत बारंबार। हृदय के खोल दिए हैं द्वार, आपका स्वागत बारंबार। फैसले अद्भुत लेते आप, घटाए जो सबका संताप। डालते हर जन पर वो छाप, कि सब करते हैं जय जयकार। आपका स्वागत बारंबार। हृदय के खोल दिए हैं द्वार, आपका स्वागत बारंबार। देखिए पूरी हो गई आस, आप जो आए हमारे पास। देखिए पूरी हो गई आस, आप जो आए हमारे पास। दिन बना आज का सबसे खास, जैसे कि लग रहा है त्योहार। आपका स्वागत बारंबार। हृदय के खोल दिए हैं द्वार, आपका स्वागत बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको मिले बिना मैं जाता तो मेरी यात्रा अधूरी रहती।
अलग-अलग स्थानों से आप समय निकाल करके आए, वो भी वर्किंग डे होने के बावजूद भी आए। ये भारत के प्रति आपका जो प्यार है, भारत के प्रति आपका जो लगाव है, उसी का परिणाम है कि हम सब इस एक छत के नीचे आज इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारत के बाहर जहां भी जाता हूं तो भारतीय समुदाय के दर्शन का प्रयास जरूर करता हूं, लेकिन आज आप लोगों ने जो डिसिप्लिन दिखाई है इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वरना इतनी सारी संख्या और इतने आराम से मैं सबको मिल पाऊं, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा इस देश में पहली बार आना हुआ है, लेकिन भारत के लिए ये भूभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की आप लोगों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, प्रारंभ से ही हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस पर बल दिया है, क्योंकि एक प्रकार से हम इन देशों में बहुत नजदीकी महसूस करते हैं, सहज रूप से अपनापन महसूस करते हैं। कुछ न कुछ कारणों से, कुछ न कुछ मात्रा में, कुछ न कुछ विरासत के कारण एक इमोशनल बाइंडिंग हमारे बीच में है। शायद यहां के कोई देश ऐसे होंगे जिनके विषय में रामायण अपरिचित हो, राम अपरिचित हो। शायद ही बहुत कम देश होंगे कि जिन्हें बुद्ध के प्रति श्रद्धा न हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है और इस विरासत को संवारने का, सजाने का काम भारतीय समुदाय जो यहां रहता है वो बहुत बखूबी कर सकता है। एक काम एक एम्बेसी करती है उससे अनेक गुना काम एक सामान्य भारतीय कर सकता है। और मैंने अनुभव किया है कि दुनिया भर में आज हर भारतीय गौरव के साथ सर उठा करके, आंख में आंख मिला करके, गौरव के साथ भारतीय होने की बात करता है।
किसी भी देश के लिए ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है और विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समुदाय और भारत के लोग सदियों से देशाटन करने की वृत्ति प्रवृत्ति के रहे हैं। सदियों पहले हमारे पूर्वज निकले हैं और भारत की एक विशेषता रही है, हम जहां गए जिसे मिले उसे अपना बना लिया। ये छोटी चीज नहीं है, अपनापन बचाए रखते हुए हर किसी को अपना बना लेना ये तब संभव होता है भीतर एक दृढ़ आत्मविश्वास होता है। और आप लोग जहां गए हैं वहां उस दृढ़ आत्मविश्वास का परिचय करवाया है। आप कहीं पर भी होंगे, कितने ही सालों से बाहर होंगे, कितनी ही पीढ़ियों से बाहर रहे होंगे, हो सकता है भाषा का नाता टूट भी गया हो, लेकिन अगर भारत में कुछ बुरा होता है तो आपको भी नींद नहीं आती है। और कुछ अच्छा हुआ है तो आप भी फूले नहीं समाते हैं। और इसलिए वर्तमान सरकार का एक निरंतर प्रयास है कि देश को विकास की उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जिससे हम विश्व की बराबरी कर सके। और अगर एक बार बराबरी करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। कठिनाइयां जो होती हैं वो एक बराबरी के स्टेज पर पहुंचने तक होती है, और एक बार उन कठिनाइयों को पार कर लिया फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है और भारतीयों के दिल दिमाग भुजाओं में वो दम है कि फिर उसको कोई आगे जाने से रोक नहीं पाएगा। और इसलिए पिछले साढ़े तीन साल से सरकार का लगातार ये प्रयास रहा है कि भारत का जो सामर्थ्य है, 125 करोड़ देशवासियों की जो शक्ति है, भारत के पास जो प्राकृतिक संसाधन है, भारत के पास जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत के लोग जिन्होंने किसी भी युग में, कोई भी युग निकाल दीजिए, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, इतिहास में एक भी घटना नजर नहीं आती है कि हमने किसी का बुरा किया हो। जिस देश के पास, जब मैं दुनिया के देश के लोगों से मिलता हूं और जब मैं उनके बताता हूं
कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, न हमें किसी की जमीन लेनी थी, न हमें कहीं झंडा फहराना था, न हमें दुनिया को कब्जा करना था, लेकिन शांति की तलाश में मेरे देश के 1.5 लाख से ज्यादा जवानों ने शहादत की थी। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में शांति के लिए लेना पाना कुछ नहीं, शांति के लिए 1.5 लाख हिंदुस्तानी शहादत मोल ले, कोई भी भारतीय सीना तान करके कह सकता है कि हम लोग दुनिया को देने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं। और छीनने वाले तो कतई नहीं। आज विश्व में पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ कोई भी हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है कि आज दुनिया में हर जगह पर कहीं अशांति पैदा होती है तो यूएन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स जाकर के वहां शांति बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं। पूरे विश्व में पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले कोई हैं तो हिंदुस्तान के सिपाही हैं। आज भी दुनिया के अनेक ऐसे अशांत क्षेत्रों में भारत के जवान तैनात है। बुद्ध और गांधी की धरती शांति उन्हें मात्र कोई शब्द नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने शांति जी करके दिखाया है, शांति को हमने पचाया है, शांति हमारी रगों में है। और तभी तो हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, ये मंत्र हमें दिया, जो मंत्र हमने जी करके दिखाया है। लेकिन ये सारी बातों का सामर्थ्य दुनिया तब स्वीकार करती है जब भारत मजबूत हो, भारत सामर्थ्यवान हो, भारत जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला गतिशील हो, तब जाकर के विश्व स्वीकार करता है। तत्वज्ञान कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, इतिहास कितना ही भव्य क्यों न हो, विरासत कितनी ही महान क्यों न हो, वर्तमान उतना ही उज्जवल, तेजस्वी और पराक्रमी होना चाहिए, तब जाकर के दुनिया जीतती है। और इसलिए हमारे भव्य भूतकाल से प्रेरणा लेना, उससे पाठ पढ़ना, वो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही 21वीं सदी अगर एशिया की सदी मानी जाती है तो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने।
और मुश्किल मुझे नहीं लगता है। 3 साल 3.5 साल के अनुभव के बाद मैं कहता हूं यह भी संभव है। पिछले दिनों आपने देखा होगा भारत से जहां तक सरकार का संबंध है सकारात्मक खबरें आती रहती हैं। अब डर नहीं रहता है कि यहां पता नहीं कोई नेगेटिव खबर आ जाएगी तो ऑफिस जाएंगे तो लोग क्या पूछेंगे। अब घर से निकलते विश्वास नहीं, हिंदुस्तान से अच्छी खबरें ही आएगी। 125 करोड़ का देश है, उसकी मुख्य धारा जो है, समाज की मुख्य धारा हो सरकार की मुख्य धारा हो, वो सकारात्मकता के इर्द गिर्द ही चल रही है, पॉजिटिविटी के इर्द गिर्द चल रही है। हर बार फैसले देश हित में लिए जा रहे हैं, विकास को ध्यान में रख करके लिए जा रहे हैं। 125 करोड़ का देश आजादी के 70 साल बाद अगर 30 करोड़ परिवार बैंकिंग व्यवस्था से बाहर हो तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी। हमने बेड़ा उठाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की और जीरो बैलेंस हो तो भी बैंक अकाउंट खोलना है। बैंक वालों को परेशानी हो रही थी और मनीला में तो बैंक का क्या दुनिया है सबको पता है। बैंक वाले मुझे झगड़ा कर रहे थे, साहब कम से कम स्टेशनरी का पैसा तो लेने दो। मैंने कहा इस देश के गरीबों का हक है, उनको बैंक में सम्मान भर एंट्री मिलनी चाहिए। वो बेचारा सोचता था, ये बैंक एयर कंडीशन, बाहर 2 बड़े बंदूक वाले खड़े, वो गरीब जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। और फिर वो साहूकार के पास चला जाता था और साहूकार क्या करता है हम जानते हैं। 30 करोड़ देशवासियों को जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोला। और कभी कभी आपने अमीरों को देखा होगा, मैंने अमीरों को भी देखा है, अमीरों की गरीबी को भी देखा है। आपने गरीबों को भी देखा होगा लेकिन मैंने गरीबों की अमीरी को देखा है। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोले थे लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उन जनधन अकाउंट में आज उन गरीबों को सेविंग की आदत लगी। पहले बेचारे घर में गेहूं में पैसे छुपा के रखते थे, गद्दे के नीचे रखते थे और वो भी अगर पति की आदतें खराब हो तो कहीं और खर्चा कर देता था, वो डरती रहती थी माताएं। आपको जानकर के खुशी होगी इतने कम समय में उन जनधन अकाउंट में 67,000 करोड़ रुपीज गरीबों का सेविंग हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था की मूल धारा में गरीब सक्रिय भागीदार हुआ है। अब ये छोटा परिवर्तन नहीं है जी, जो शक्ति सामर्थ्य व्यवस्था के बाहर था
वो आज व्यवस्था के केंद्र बिंदु में आ गया। ऐसे अनेक इनिशिएटिव हैं जो कभी चर्चा में तक नहीं थे, किसी की कल्पना में भी नहीं थे। कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम है कि भी ऐसा भी हो सकता है क्या। हमने लोगों ने तय करके रख लिया गया, नहीं नहीं चाहिए, हमारा देश है जैसा है वैसा है, चलेगा। क्यों चलेगा भाई? अगर सिंगापुर स्वच्छ हो सकता है, फिलीपींस स्वच्छ हो सकता है, मनीला स्वच्छ हो सकता है, तो हिंदुस्तान स्वच्छ नहीं हो सकता है क्या? देश का कौन नागरिक होगा जो गंदगी में रहना पसंद करता होगा? कोई नहीं चाहता है। लेकिन किसी ने इनिशिएटिव लेना पड़ता है, किसी ने जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, सफलता विफलता की चिंता किए बिना काम हाथ में लेना पड़ता है। महात्मा गांधी जी ने जहां छोड़ा था वहीं से हमने आगे लेने का प्रयास किया है। और मैं कहता हूं आज करीब हिंदुस्तान में 2.25 लाख से अधिक गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। तो एक तरफ समाज के सामान्य मानवी को क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसे बदलाव आए। अब हमारे देश में आप में से जो लोग पिछले 20, 25, 30 साल में भारत से यहां आए होंगे या अभी भी भारत से संपर्क में होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारे यहां गैस का सिलेंडर लेना, घर में गैस का कनेक्शन लेना, ये बहुत बड़ा काम माना जाता था। और घर में अगर गैस कनेक्शन आ जाए, सिलेंडर आ जाए, तो अड़ोस पड़ोस में ऐसा माहौल बनता था जैसे मर्सिडीज गाड़ी आई है। यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था कि हमारे घर में अब गैस का कनेक्शन आ गया। और गैस का कनेक्शन ही इतनी बड़ी चीज हुआ करती थी हमारे देश में कि पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन मिलते थे। किस चीज के लिए? कि आपके पार्लियामेंट्री एरिया में आप साल में 25 परिवारों को ऑब्लाइज कर सकते हैं। बाद में वो क्या करते थे कहना नहीं चाहता हूं, अखबार में आता था। यानी गैस सिलेंडर का कनेक्शन, आपको याद होगा 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो उस समय एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी उस चुनाव का नेतृत्व करने की। वहां पर एक मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की और देश इंतजार कर रहा था कि वहां कोई तय होगा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। शाम को मीटिंग के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? ये कहा गया कि अगर हमारी 2014 में चुनाव जीतेंगे तो हम साल भर में अभी जो 9 सिलेंडर देते हैं हम 12 सिलेंडर देंगे। याद है कि नहीं है आपको? यानी 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। यानी ये दूर की बात नहीं है, 2014 तक सोच का यही दायरा था जी। और देश भी ताली भी जाता था, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, 9 के 12 मिल जाएंगे।
और मोदी ने इसको खजाने में नहीं डाला, मोदी ने तय किया कि वो मैं गरीबों को दे दूंगा और 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं, 3 करोड़ परिवारों को पहुंचा दिया। मेरा वादा 5 करोड़ परिवार का है, भारत में टोटल परिवार 25 करोड़ है, 25 करोड़ परिवार, उसमें से 5 करोड़ का वादा है, 3 करोड़ कर दिया है। अच्छा, इसमें भी कुछ कमाल है जी, अपने घर के लोग हैं तो कुछ बात बता सकता हूं। कभी कभार सरकार की सब्सिडी जाती थी तो लगता था लोगों का भला होता होगा, तो मैंने क्या किया, आकर के उसको आधार के साथ लिंक कर दिया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो उसके कारण पता चला कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर गैस की सब्सिडी जाती थी जो पैदा ही नहीं हुए, मतलब कहां जाता होगा, मुझे बताइए कहां जाता होगा, किसी न किसी की तो जेब में जाता होगा ना। अब मैंने उस पर बूछ मार दिया, बंद हो गया। सिर्फ इस प्रकार की सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, झूठे भूतिया लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए उनको न मिले। इतना सा काम किया, बड़ा काम नहीं किया, इतना सा ही किया, परिणाम क्या है मालूम है, 57,000 करोड़ रुपीस बच गया। और ये एक बार नहीं बचा, ये हर वर्ष 57,000 जाता था। अब बताइए कहां जाता था भाई। अब जिनकी जेब में जाता था उनको मोदी कैसा लगेगा, वो कभी फोटो निकालने के लिए आएगा क्या, आएगा क्या, वो मोदी को पसंद करेगा क्या, मुझे बताइए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देश में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कठोर निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, देश को आगे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। आप लोग आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस मकसद के लिए देश ने मुझे काम दिया है उस मकसद को पूरा करने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। चौदह के पहले खबरें क्या आती थी, इतना गया कोयले में, गया 2G में, गया ऐसे ही आता था ना। 2014 के बाद मोदी को क्या पूछा जाता है, मोदी जी बताओ तो कितना आया। देखिए ये बदलाव है, वो एक वक्त था जब देश परेशान था कितना गया, आज वक्त है कि देश खुशी के खबर सुनने के लिए पूछता रहता है, मोदी जी बताइए ना कितना आया। हमारे देश में कोई कमी नहीं है दोस्तों, देश को आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार की संभावनाएं हैं, हर प्रकार का सामर्थ्य है। उसी बात को लेकर के कई महत्वपूर्ण नीतियां लेकर के हम चल रहे हैं, देश विकास के नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है और जन भागीदारी से आगे बढ़ रहे हैं, सामान्य से सामान्य मानवी को साथ लेकर के चल रहे हैं और उसके परिणाम इतने अच्छे मिलेंगे कि आप भी
अब लंबे समय तक यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा, इतनी बड़ी मात्रा में आकर के आपने आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।